तो हेलो नया दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश राम एम्पलीफायर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत। मैं आज आप लोगों को हीटर ठीक करना सिखाऊंगा और हीटर में क्या 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 समस्या होती है वो सभी डिटेल्स मैं आपको नॉर्मल तरीके से बता दूंगा, ताकि आप लोग घर बैठे ही अपना हीटर खुद ठीक कर सको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा अपना ये यहाँ पे मेन एलिमेंट होता है। ठीक है, जब भी आप ये काम करेंगे तो आप चप्पल पहन के और कारपेट वगैरह नीचे रख के तभी आपने ये काम करना है। ठीक है, बिजली में हाथ लगाते टाइम और उसके बाद जो है तभी आपने ये काम करना है। ये देखिए ज़्यादातर यही ख़राब होता है, तो इसमें वायरिंग वगैरह आपने देख लेनी है, कहीं से अगर जला कटा हो तो उसे दोबारा जोड़ के लगा देना है। और स्विच तो जल्दी ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर यही ख़राब होता है। तो इसके लिए जो है मार्केट में ये आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए मैं अभी इसे ऑन करता हूँ तो फ़ैन इसका वर्किंग में है, फ़ैन वर्किंग में अभी ये चल रहा है, गर्म हवा दे रहा है, अभी अपने आप ये कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट हो जाता है ये। ठीक है, इसमें भी यही समस्या है। तो इन दोनों का हम ये जो इंडक्टर है ये निकालेंगे, थर्माकोल ठीक है, इसमें इसे थर्मास्टेट को हम बदलेंगे, फिर उसके बाद जो है देखिए ये ऑफ हो गया, ये अभी कट हो गया पावर इसका, तो इसीलिए हम इसको जो है अब लगाएंगे। तो दोस्तों पुराने वाले को जो है हम निकाल लेंगे बाहर, और पुराने वाले को सावधानी पूर्वक बंद करके, पहले बंद करके तभी आपने निकालना है। ठीक है, इसमें 220 वोल्ट पूरा का पूरा वोल्टेज आता है, ऐसे नहीं हाफ वोल्ट आता है, फुल वोल्टेज आता है। ठीक है, सो जब भी वायरिंग करें सावधानी पूर्वक करें, इन दोनों में ज़्यादा ज़्यादा ऐसी वायर निकालनी है आपको, एक वायर इसमें यू करके अंदर डाल के आपने बैंड कर देना है। दूसरे वाला वायर भी यू करके बैंड कर देना अंदर, ताकि ये मुड़े ना। अब इसको शोल्डरिंग कर देंगे दोस्त। ठीक है, बढ़िया से शोल्डरिंग कर देना है, इसे कंजूसी नहीं करना है वरना टाका छूट जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर ही देना है दोस्तों। इसी तरीके से आप सारे हीटर ठीक कर सकते हो, और मैं अभी ऑन करके देखता हूँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों हीटर ऑन भी हो चुका है और हीटिंग भी दे रहा है, काफ़ी धीरे धीरे हीटिंग दे रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी हीटिंग दे रहा है। ये अपना ख़राब वाला था जो नो हीट, कुछ भी हीट नहीं आ रहा था इसमें, अब ये सही हीटिंग दे रहा है मुझे आगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरीके के एलिमेंट ज़रूर आप लगाना और अपना हीटर कोई सा भी आप ठीक कर सकते हो कुछ इसी प्रकार का। ये अब सही हीटिंग हो गया, ये देखिए रोड एकदम गर्म हो गई है, मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तीनों रोड अपनी गर्म हो गई है, काफ़ी अच्छी हीटिंग आ रही है। इसमें भी हमने ऐसी करना है। ठीक है मेरे भाइयों, ओके टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।